आलिक, एक किलो मटन रान। माँ जी, हमने तो गोश्त से फ्रीजर पर आ हुआ था, कुर्बानी का गोश्त मौक गया। आगे लिख, हरी वाली मिर्च एक पाव। माँ जी, हरी वाली मिर्च बड़ी वाली के वो तीखी वाली छोटी? अब बड़ी वाली। आलू प्याज 5-5 किलो। भाई, मैंने आलू और प्याज तो पहले ही लिख लिया है, क्योंकि हमारे घर में जो सब्जियों का बेदरेग इस्तेमाल होता है ना माँ जी, हमारी छत से तो चील और कौवे यूं मुंह मोड़ के चले जाते हैं कि इस घर से गोश्त नहीं मिलता। लिख, भिंडी 1/2 किलो। ना माँ जी, ना मैंने भिंडी लेके नहीं आनी। क्यों नहीं लाएगा? माँ जी, अगर घर में सूखी सड़ी भिंडी आ गई ना तो हमारी बेबी ये समझेगी कि ये शगुफ्ता ने जान के मंगवाई है, फिर माँ जी हमारे घर में ना महायुद्ध शुरू हो जाएगा। फिरे मुँह तेरा, और तू भिंडी लिख। सूखी सड़ी भिंडी लिख दूँ माँ जी? फिरे मुँह तेरा, और जल्दी लिख, कद्दू 1 किलो। ना माँ जी, ना ये कद्दू लिखते हुए ना मुझे ना बड़ी शर्म आती है, पम्पकिन लिख दो पम्पकिन। मीठा घिया 1/2 किलो। ना माँ जी, माँ घिया मैंने नहीं लेके आना। क्यों नहीं लाएगा? माँ जी, ये मेरी अकलौती, अकलौती कहते हुए माँ जी कितना दुख होता है मुझे, है लोग कितने खुद कफील है इस काम में, मेरी एक ही बीवी। माँ जी, मेरी ये जो प्यारी सी बीवी है ना शगुफ्ता, इसकी छेड़ है ये घिया। फिर तेरा, बहन की छेड़ तो शौक से लाएगा, बीवी की छेड़ नहीं लेकर आएगा। धनिया प्याज लसन टमाटर एक्टर राइटर, माँ जी मैंने सारे टर लिख दिए हैं। और ट्रैक्टर बंद कर, लिस्ट दिखा मुझे। मैं नहीं, मुझे नहीं। इधर दिखा। मैं नहीं। वो दिखा तो सही, मैं देखो तो सही तूने क्या लिखा है। अच्छा माँ जी, एलो खाली कागज, और तूने लिस्ट नहीं बनाई? ये ना जादू की स्याही है माँ जी, इधर लिखते जाओ इधर उड़ती जाती है। वैसे ना माँ जी, सारी सब्जियों के नाम ना मैंने अपना ये जो कोरा कागज है ना, ये पन्ना, इस पे लिख लिए, दिल के पन्ने पे। बेगैरत कटिया इंसान, इतनी देर से तू अपनी माँ को बेवकूफ बना रहा था, लिखने का नाटक कर रहा था। नाटक? माँ जी, लगता आप भी ना पड़ोसी मुल्क के ड्रामे छुप छुप के देखती है। नाटक उर्दू का लफ्ज है। इसी बात पे निकाले 5,000 रुपया। 5,000? माँ जी, अगर 5,000 रुपए से ऊपर पैसे लगे ना वो कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, मैं अपनी जेब से डाल दूंगा। बस कर, ये ले इसमें सारा काम चला। ठीक है माँ जी, मैं इसी में ना सारा काम चलाता हूँ, एक मिनट माँ जी। है माँ जी, आपने लक्ष्मी नीचे फेंक दी, ये क्या सिर्फ 3,000 रुपया? माँ जी, आप एक काम करें, आप ना मुझे कोई सेकंड हैंड टीटी या माउजर ले दे, फिर ये सारी चीजें ना मैं आपको मुफ्त ला दिया करूंगा। मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। अच्छा, क्या सब्जी मंडी जा रहे हैं? नहीं तो फिर कहाँ जा रहे? अच्छा शगुफ्ता, ये बताओ कि आज कौन सा दिन है? इतवार। हाँ, तो मैं इतवार बाजार जा रहा हूँ। लिस्ट तो दिखाइए हमें। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और चीर के देखिए दिल मेरा तो सारी सब्जियों का नाम लिखा रखा है। अरे हाँ, सब्जियों से याद आया, वो छोटी वाली हरी मिर्च जरूर लाइएगा। ना शगुफ्ता ना, माँ जी ने कहा कि मोटी और बड़ी वाली हरी मिर्च लानी है, तुम जब अपने प्यारे प्यारे नाजुक हाथों से वो मिर्च हंडिया में डालोगी ना तो वो खुद ही तीखी हो जाएगी। मैं अचानक नहीं आया हूँ, मैं जंप करके आया हूँ। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो क्या होता आपका? ज्यादा से ज्यादा क्या होता भाईजान, बताइए। खोतिया, जे मैं मर जाता फिर बेबी डार्लिंग ना जावेद भट्ट साहब की सारी जायदाद की ना इकलौती वारिस बन जाती। ले भी तेरा बहुत ही फिटे मुंह बकौल माँ जी के। कम ऑन भाई जान, मैं तो मजाक कर रहा था। कम ऑन चिल भाई, मजाक का बच्चा। अच्छा एक बात तो बताइए, आप जा कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगा और तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, ना बताए। वैसे आपका ये जो थैला है ना, ये चीख चीख के बता रहे कि आप सब्जी मंडी जा रहे हैं। अरे मैं सब्जी मंडी नहीं, इतवार बाजार जा रहा हूँ। आहा, देखा भाई जान, मैंने आपसे उगलवा लिया ना। अच्छा हाँ भाई जान, एक काम कीजिएगा, वो ना सब्जी मंडी से वापस आते हुए ना, आई मीन संडे बाजार से वापस आते हुए ना, कटारे लेते हुए आजी का। क्यों है, तेरा खट्टा खाने को जी चाह रहा है? जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अच्छा अच्छा, तो तोहफा कर रहे हैं भाई जान, क्या कर रहे हैं आप? वो बेबी डाली ने ना कटारे इसलिए मंगवा रहे कि वो चटनी बने, चटनी। अच्छा अच्छा, ये कौन है?
तो तुम ऊपर जाओ, मैं लेके आता हूँ अभी। चल चल। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, सब्जी खरीदने से ना मुझे ना बड़ी सख्त नफरत है। अब देखे ना, मेरे जैसा हैंडसम और खूब रू जेंटलमैन आदमी आलू मटर टमाटर का भावता करता हुआ अच्छा तो नहीं ना लगता। जी मेरा नाम सोफिया है और मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ। सोफिया लॉरेन, मैंने ना आपकी बड़ी फिल्में देखी हैं। नहीं नहीं, मैं वो सोफिया नहीं हूँ। पता नहीं उसने कितनी शादियाँ की थी, मेरी तो अभी तक एक भी शादी नहीं हुई। अच्छा, वैसे मैंने ना आपको पहले कहीं देखा हुआ है। अच्छा, मैं छोटे मोटे रोल करती हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैं भी एक्टर हूँ। जी आपकी शक्ल ना 50-50 वाले अशरफ खान से बहुत मिलती है। मेरी शक्ल उनसे नहीं, उनकी शक्ल मुझसे मिलती है। आपका नाम? अशरफ बाट। अरे आपकी शक्ल ही नहीं, आप दोनों के नाम भी बहुत मिलते जुलते हैं। मुझे ना पैदा होने से पहले एक्टिंग का बहुत शौक था। जी हाँ, माँ जी कहती थी कि पैदा होने से पहले ना मैंने माँ जी को ना तिकनी का नाच नचाया था। फिर तो आप डायरेक्टर हुए ना? एक अच्छा एक्टर एक अच्छा डायरेक्टर भी होता है। जी दरअसल मैं ना अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ, इसीलिए आपसे कुछ मांगने आई थी। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, हमेशा एक अच्छा पड़ोसी अपने खूबसूरत पड़ोसन के काम आता है। बताएं आपका क्या चाहिए? शेफ नाइक, जरा उर्दू में बताएं। वो कसाई के पास बड़ी छुरी होती है ना, वो चाहिए। क्यों, आपने कुर्बानी करनी है? नहीं नहीं, दरअसल मैं बकरी की रान लाई थी। रान तो ले आई पर नाइफ लाना भूल गई। मैं अभी लेके आया है, मैं हुने गया ते हुने आया। जी माँ जी, तू हाले तक गया नहीं? मैं जा ही तो रहा था। अरे सूरज सर पे आ गया, अब तू गली सड़ी सब्जियां इतवार बाजार से लेकर आएगा। मैं पागल हूँ जब मैं गली सड़ी सब्जियां ले आऊंगा? मैं ना माँ जी, मैं जाके ना वहां से ताजा सब्जियां ले आऊंगा जिसपे पानी के तरंखे दिए हुए होते हैं। अरे वो तेरा, अरे ये क्या तूने छुपाया हुआ पीछे? माँ जी आपसे मैं कुछ चीज छुपा सकता हूँ? ये थैला है सब्जी ले आने का। लेने का ना? हाँ। ये क्या है, क्या इसमें? माँ जी इसमें क्या होना है, आप जाके आराम करे, मैं हुने गया तो सब्जियां लेके हुने ही आया। जा, 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 जा। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची। आगा तुम सारा दिन घर पे पड़े पड़े बोर नहीं हो जाते? होता हूँ बेबी डार्लिंग, मैं इंसान हूँ, आलू प्याज की बोरी थोड़ी हूँ। हाँ तो संडे बाजार चले जाते भाईजान के साथ, मगर नहीं तुम तो हो ही एक नंबर के ढीठ। ये बात नहीं है बेबी डार्लिंग। अच्छा तो फिर क्या बात है जरा बताइएगा। भाईजान मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाते। क्यों? दो वजह है। चलिए आप वजह भी बता दीजिए फिर। पहली वजह बेईमानी है। आगा तुम हो ही बेईमान और धोखेबाज और साथ ही साथ मिस्टर फ्रॉडिये भी हो। अरे नहीं यार, मैं भाईजान की बेईमानी की बात कर रहा हूँ। व्हाट, भाईजान बेईमान है? जी तुमने मेरे फरिश्ते जैसे भाईजान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, यू चीप। एक मिनट, मैं बेबी डार्लिंग इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट और फिगर के साथ बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? भाईजान जो है 14 साल में से पैसे मारते हैं, पैसे। तुम्हें कैसे पता चला ये? क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया था, इसलिए वो मुझे अपने साथ नहीं लेके जाते। ठीक है, ये तो साथ ना ले जाने की पहली वजह हुई, अब दूसरी वजह बताओ। दूसरी वजह शोहरत। शोहरत, व्हाट डू यू मीन? भाईजान के ख्याल में मेरी शोहरत ना कुछ अच्छी नहीं है। वेल वो तो है, ये जो इतवार बाजार वाले है ना मुझे देखते ही समझते हैं कि मैं जो ना प्राइस कंट्रोलर, प्राइस कंट्रोलर। क्यों आगा ऐसा क्यों समझते हैं? मैं जाते लिस्ट जो मांग लेता हूँ। माय गॉड, किस आदमी से मेरी शादी हो गई? मेरी किस्मत में कोई और अच्छा इंसान नहीं लिखा था। एक वजह और भी है। वो क्या? मैं नहीं बताऊंगा। लीजिए सरताज, थक गए क्या? थैंक यू। बहुत प्यास लगी क्या? गर्मी है बाहर बहुत। शिकायत है, बैठो।
तुम्हारे लिए ना मैं एक बर्गर ले आया हूँ। वही बर्गर? हाँ वही जो तवे पे नहीं होता था, बांधे में कबाब रखा हुआ। अब ना उसका नाम लोगों ने बर्गर रख दिया। शादी से पहले तुम बड़े शौक से खाती थी ये बर्गर। मैंने यही बर्गर खिला के ना तुम्हें आज तक अजाब में डाला हुआ। वैसे शिवप्रता मैं ना एक ही बर्गर लाया हूँ। क्यों आप नहीं खाएंगे क्या? अपने लिए तो ले आया हूँ। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ शिवप्रता। सब्जियों की कीमतों को आग लग गई है, आसमान से बातें कर रही है। सिर्फ ना एक ही बर्गर के पैसे बचे थे, ये लो। शुक्रता तुम ना इस बर्गर को ना अब ऐसे खाना कि किसी को भिनक भी ना पड़े। आज तक हमने कभी किसी को भिनक पड़ने दिए पहले? उए, ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ। ये लो इसके साथ बर्गर खा लेना और आज ना इधर सोफे में नीचे सो जाना। जी इस लड़की को जानते हो? भाई ना काम क्या करते हैं? बकवास क्या कर रहे हो, पहचानते हो इस लड़की को? जी फिर तो जान पहचान भी होगी। जी सूफिया नाम है, मैं इसे प्यार से सूफी कहता हूँ। कितने सालों से जानते हो? बहुत साल पहले ना मैंने इसे ख्वाब में देखा था, शादी से पहले। मगर इसकी शादी तो नहीं हुई थी। मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। मैंने ना एक ख्वाब देखा था, शायद उस ख्वाब वाली लड़की की शक्ल जो है ना वो सूफिया से मिलती थी। कब से जानते हो? आप इसके भाई है? नहीं। लवर है? नहीं। फिर आप मंगेतर होंगे? नहीं। फिर आप मुझसे क्यों पूछगिछ कर रहे हैं? दो घंटे पहले तुमसे ये लड़की शेफ नाइफ लेके गई थी। जी तुम उस लड़की के पीछे उसके घर तक गए थे? आपको किसने बताया? मैं शक्ल से अंधा लगता हूँ? जी बिल्कुल, मेरा मतलब है नहीं, मैंने खुद देखा है। जी मैं एक डिटेक्टिव हूँ, किसी ने उस लड़की को धमकी दी थी मर्डर की, लिहाजा मैंने उस लड़की पे नजर रखना शुरू कर दी थी। उस पे तो और भी कई लोगों ने नजर रखी हुई थी, फिर आपको नजर रखने की क्या जरूरत थी? तू मुझसे तंजिया गुफ्तगू कर रहा है बे? आप भी तो मुझसे तुम करके बात कर रहे हैं, जबकि मैं ना आम आदमी से ना बेतकल्लुफ नहीं होता। बेतकल्लुफ का बच्चा, पता है घंटे पहले सोफिया का मर्डर हो चुका है। क्या? हाँ, जो नाइफ तुमने उसे दी थी उससे मर्डर हुआ इसका। भाईजान यकीन करें आज से पहले मैंने उस लड़की का नाम भी नहीं सुना था। और वो ख्वाब? ख्वाब तो मैं झूठे देखने का माहिर हूँ। वो नाइफ? नाइफ मैंने ना नेक नीयति पे दिया था, क्योंकि पड़ोसन का ना पड़ोसी पे बड़ा हक होता है। देखो अशरफ, ये मर्डर तुमने ही किया है, नाइफ पे तुम्हारे और लड़की के उंगलियों के निशान है। मैं ना अपनी माँ जी से बहुत प्यार करता हूँ। कत्ल करने से पहले माँ जी तुम्हें याद नहीं आई? मैं तो भाईजान ये कह रहा था कि मैं अपनी माँ जी से बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे माँ जी के सिर की कसम मैंने मर्डर नहीं किया। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं अशरफ। अशरफ भट्ट पूरा नाम है। भट्ट हो या श्री पाए, अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने तो आज तक डिंगी मच्छर नहीं मारा, मैं बंदा कैसे मार सकता हूँ? बंदा नहीं, बंदी मारी है तुमने। भाईजान, भाईजान, आपने आगा साहब को बुलाया क्या? केड़ा आगा है? आगा साहब, आगा इधर आ। जी जी अब तो ये एक्टिव भाईजान को समझा खुद। एक्टिव नहीं, डिटेक्टिव हूँ मैं। देखिए आपको ना गलत फहमी हुई है, अरे ये तो नहायत ही शरीफ आदमी है। भाईजान डुगडुगी देखने वाला बच्चा बच्चा मेरी शराफत और ईमानदारी और फर्मा बरदारी की ना कस्में खाता है। बिल्कुल, ये तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आगा भी कभी मर्डर का नहीं सोच सकता। हाँ छोटा मोटा फ्रॉड कर सकता है। तू मिस्टर फ्रॉडिया है ना? वो तो माँ जी से प्यार से मिस्टर फ्रॉडिया कहती है। क्या रिश्ता है तेरा अशरफ भट्ट से? ये मेरा साला है। और ये मेरे साले हैं। ओ वट्टा सट्टा। जी और हाँ, मैं ना हल्फिया बयान देने को तैयार हूँ कि भाईजान जो है ना बिल्कुल बेकसूर है। इसका मतलब है कि तुम इस मर्डर में अशरफ भट्ट के साथ थे? भाई क्या हो गया सर आपको, मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ। ये कौन है और आपका नाम क्या है? अशरफ भट्ट। अशरफ भट्ट, ये कोई अजीब सा नाम है, पहली दफा सुना है मैंने। अपना कातिल भाई, ये आपके नाम का मतलब क्या है? ओए आगा, मुसीबत में तो मेरा साथ छोड़ रहा है। मुसीबत में ना साया भी साथ छोड़ देता है। आगा मुझे तेरी मदद चाहिए आगा। ए, ए, अंकल, ओ अंकल फ्री होने की कोशिश क्यों कर रहे है? तुम इनको नहीं जानते? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं जानते, पता नहीं कौन अंकल ये। अबे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सॉरी मैं ना गलती से आ गया। वो क्या है कि चारों चारों तरफ जो घर है ना एक जैसे हैं, तो मैं गलती से किसी के भी घर चला जाता हूँ, समझ भी नहीं आता। मैं तो ऐसे डांस करने के लिए आया था। बड़ी वैरायटी है भाई इस घर में। हाँ भाई अशरफ भट्ट, ये बताओ क्या कसूर था, क्या दुश्मनी थी अशरफ भट्ट तुम्हारी उस मासूम खूबसूरत लड़की के साथ? मैं कातिल नहीं भाईजान, मैं तो उसे जानता भी नहीं। कोई फायदा नहीं अशरफ भट्ट, तुम बुरी तरह फंस चुके हो।
अब तुम्हें कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। भजन कोई तो रास्ता होगा। नहीं, तुम्हें कम से कम जो सजा हो सकती है वो है सजाए मौत। कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ। आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे माफ कर दे भाईजान। भाईजान मैं ना जीना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मुझे जिंदगी दे लो। अपना कान करीब लाओ। अच्छा, मैल निकालोगे? भाईजान मैं तो आपको कहती हूँ बट मामू को सारी सूरत हाल बता दे, वो दूध में से मक्की की तरह ना आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकाल देंगे। क्यों, बट मामू को इस मामले में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? अरे नौशीन ठीक कह रही है, बट मामू ना आते ही भाईजान की ना सुताई शुरू कर देंगे और फिर ना भाईजान चलती फिरती लाश बन जाएंगे। हाँ, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नौ मन तेल नहीं शगुफ्ता बेगम, आलाए कत्ल उस डिटेक्टिव के पास है, उसे गायब करने के लिए ना वो पूरे 10 लाख रुपए लेगा फिर मेरी जान छेड़ेगा। भाईजान पिछले आधे घंटे से आप यही स्टोरी सुनाए जा रहे हैं। अरे अशरफ आप दुबई फरार हो जाए। वाह भाजी वाह, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे भाईजान ना भागते हुए दुबई निकल जाएंगे। फिर भाईजान को ना यहाँ पे रहकर सबको फेस करना होगा। मैं तो कहता हूँ भाईजान आप ना एक अच्छा सा वकील कर ले। कटिया इंसान, चुप कर दो। शगुफ्ता पता है इसने क्या किया? इसने ना डिटेक्टिव के सामने ना मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कहता है कौन है तुम, ऐसा कहा इसने। तुमने ऐसा कहा? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है भाई? आपने आपने जो मैंने कहा वो आपको सब याद है लेकिन आपको मेरी नियत नजर नहीं आई। नियत? हाँ बेबी डार्लिंग, वो ना भाईजान के साथ मुझे भी जुर्म में शरीक कर रहा था। सोचो बेबी डार्लिंग, अगर मैं भी जुर्म में शरीक हो जाता तो भाईजान के लिए हवाला तो अदालत के चक्कर कौन लगाता। वेरी गुड। और भाईजान समझ रहे कि मैंने अपने आप को सेव किया? नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने तो आपको सेव किया, आपको। यार कुछ सोचो, मुझे ना इस सिचुएशन से निकालो खुदा के वास्ते। बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। अरे मैं तो ये सोच सोच के हलकान हो रहा हूँ कि सजाए मौत से पहले जिन जिन मराहिल से भाईजान को गुजरना होगा वो कैसे गुजरेंगे। बदतमीज, हमारे शौहर को डराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बाजी, मैं तो जिस्मानी रिमांड के बारे में सोच रहा हूँ। भाईजान आखिरी हल ना अब मेरे पास है। क्या यार, 10 लाख उस डिटेक्टिव के मुंह पे मारे और अपनी जान छुड़ाए। 10 लाख देगा कौन ये 10 लाख? मां जी। तेरा, तुझे किसने कहा था कि एक अजनबी लड़की को शेफ नाइफ पकड़ा दे? गलती हो गई माँ जी, गलती हो गई। नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपने शेफ नाइफ दे दी ठीक है ना, और वो तो फर्ज होता है, पड़ोसियों का हक होता है मदद करना। बाजी से पूछे इन्होंने उस खूबसूरत लड़की का पीछा क्यों किया? अरे ये सवाल तो हमारे जहन में भी आया था। इसमें मेरा क्या कसूर है? ओ, मैं तो सब्जी लेने जा रहा था, वो ना मेरे आगे आगे जा रही थी सूफिया, तो मैं वहाँ पीछे पीछे जा रहा था। कसूर आप ही का है, आपको और तेज चलना चाहिए था। अब वो काम बता रही है जो मुझसे नहीं होता। भाईजान आपको उस लड़की से ना आगे चलना चाहिए। मेरे मरहूम बाप जावेद भट्ट की कसम, मुझे माँ जी का वास्ता, आइंदा मैं लड़कियों के पीछे नहीं चलूंगा। या अल्लाह, तो बाजी इसका मतलब भी औरतों का पीछा करेंगे आप? बेटा मुझ तेरा, तुझे इस सिचुएशन में भी कॉमेडी सूझ रही है? कॉमेडी भी वो माँ जी जो शुगर के मरीजों वालों के लिए होती है। सॉरी माँ जी, अपना बेटे को बचा ले, अपने पुत्र को बचा ले माँ जी। माँ जी सिर्फ 10 लाख के बस आप हमारे सुहाग की जान बचा के हमें बेवा होने से बचा सकती हैं। माँ जी प्लीज, 10 लाख औलाद के लिए कुछ भी नहीं है। फोन दे। माँ जी आप बैंक में फोन करने लगी हैं। मोबाइल दे अपना। वो माँ जी मुख्तसर कॉल कीजिएगा, 9 रुपए बैलेंस बची है। ओ बेबी मुझे अपना फोन दे, मैं तेरे फोन से बट को फोन करूंगी। माँ जी अपने फोन से क्यों नहीं करी आप बट मामू को कॉल? भाई मेरी बट से नाराजगी चल रही है इसलिए। ला बेबी मुझे फोन दे, मैं तेरे फोन से बात करूंगी। हेलो, हाँ बेटे मैं दुर्दाना बोल रही हूँ। बाजी आप अभी तक मुझसे नाराज है इसीलिए आपने बेबी वाले फोन से फोन किया। अब बकवास बंद कर, जल्दी कहा जा। और बाजी मैं तो आ चुका हूँ, आप दरवाजा खोलें, और सारी सिचुएशन भी मैं समझ चुका हूँ, आप बस बंदा काबू करें। तेरा इंतजार से। और बाजी ये दोनों मिस्टर फ्रॉडी से बड़े फ्रॉडी हैं, इनका तरीका वारदात ही है, अब तो ये खाएंगे जेल की हवा। मामूजी शुक्र है मैं जेल की हवा खाने से ना बाल बाल बच गया। ओए
एक अनजान लड़की को नाइफ देने के जुर्म में मैं तो तुझे अंदर कराऊंगा 2 साल के लिए। हाँ जी, हाँ जी।